तो दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। ये जो ऑइंटमेंट मैं आपको बताऊंगी, कैंथेरिस ऑइंटमेंट, दिस इज डॉक्टर अर्घा बोहरा वेलकमिंग यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक लोकल एप्लीकेशन के लिए ऑइंटमेंट, जो हमारे पास एज अ फर्स्ट एड होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर हमारे घर पर होना चाहिए। सो वो ऑइंटमेंट है होम्योपैथिक कैंथेरिस ऑइंटमेंट। सो कैंथेरिस जो है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका बहुत बड़ा स्फीयर ऑफ एक्शन है, बहुत सारे सिम्टम्स के लिए इंडिकेटेड है, बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैंथेरिस ऑइंटमेंट के क्या क्या इंडिकेशंस हैं, कैंथेरिस ऑइंटमेंट को आप कब कब यूज़ कर सकते हैं और कैंथेरिस ऑइंटमेंट को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए हर बारी तुरंत। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू। सो गाइस, इस वीडियो में जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं आपको बता रही हूँ कैंथेरिस ऑइंटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कौन सा कैंथेरिस ऑइंटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। सो दिस इज द ऑइंटमेंट न्यू लाइफ कंपनी का। ये पर्टिकुलर इंडिकेटेड होता है कैंथेरिस ऑइंटमेंट, हमको कब इसको यूज करना होता है। सो ये बर्न्स और स्कार्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऑइंटमेंट है, यानी कि जल जाने पर या फफोले बन जाने पर, पानी वाले छाले बन जाने पर, और वो जो जिनमें जलन होती है ऐसे इरप्शंस, उनके लिए कैंथेरिस बहुत ही इफेक्टिव ऑइंटमेंट है। सो बेसिकली थोड़ा सा जनरल अगर हम बात करें कैंथेरिस मेडिसिन के बारे में, तो कैंथेरिस जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको हम यूजुअली बर्निंग सिम्टम्स के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है या जो की नोट सिम्टम है वो है बर्निंग। तो बर्निंग मैक्चुरेशन में भी हम कैंथेरिस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं बर्निंग पेनफुल मैक्चुरेशन में, या फिर बर्न के केसेस में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न के केसेस में भी, अगर जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, यूजुअली बर्न हुआ है तो जलन वहाँ होगी, तो ऐसे केसेस में हम कैंथेरिस अगर इंटरनली यूज़ करते हैं तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और वही रीज़न है कि कैंथेरिस मदर टिंचर को जब हम लोकली अप्लाई करते हैं किसी बर्न वाले एरिया में, यानी कि जहाँ पर जला है या फिर कहीं पर ब्लिस्टर्स बन गए हैं, स्कार्स है, फफोले बन गए, पानी वाले छाले हो गए, ऐसा कोई भी इरप्शन जहां पर जलन हो रही है, वहां पे अगर हम कैंथेरिस मदर टिंचर को लोकली अप्लाई करते हैं तो उससे हमको बहुत जल्दी हीलिंग होती है। यूजुअली महिलाओं को किचन में काम करते टाइम थोड़ा बहुत जलता रहता है, कभी गर्म बर्तन में हाथ लग गया या फिर किसी भी दूध से या तेल से, गर्म तेल से जला है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कैंथेरिस ऑइंटमेंट या कैंथेरिस मदर टिंचर यूज करते हैं तो आपको वहाँ पे छाला नहीं बनता है, ब्लिस्टर नहीं बनता है, बर्निंग आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप कैंथेरिस अप्लाई कर देते हो जले हुए के ऊपर, तो वहाँ पर जले का निशान भी नहीं बनता है, और ये बिल्कुल ट्रूथ है, आप यूज़ करके देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं इस कैंथेरिस ऑइंटमेंट के बारे में, जो है न्यू लाइफ कंपनी का। ये बहुत सारी कंपनीज का, ऑलमोस्ट हर जो होम्योपैथिक वेल नोन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल है वो कैंथेरिस ऑइंटमेंट बनाती ही है। आपको SBL का मिल जाएगा, WSI का भी मिल जाना चाहिए, बट मैं पर्टिकुलरली न्यू लाइफ का ही कैंथेरिस ऑइंटमेंट यूज़ कर रही हूँ सिंस आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। तो इट इज़ मेनली इंडिकेटेड फॉर बर्न्स एंड स्कार्स। इसके मेन इंडिकेशन जो इस पर मैंशन है, हेल्प्स टू रिलीव बर्न्स, मतलब जले में आराम देने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये।
स्कार्स अगर हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। डर्मेटाइटिस की कंडीशन, एक्जिमा की कंडीशन, जिनमें अगर जलन होती है, ऐसा कोई भी स्किन इरप्शन जो मैंने बताया, अगर वो जलन हो रही है उसमें, तो आपको ये कैंथेरिस ऑइंटमेंट अगर आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। वेसिकुलर इरप्शन, पानी वाला कोई भी इरप्शन है, फोड़ा है और उसको फूटने के बाद वहाँ पर जलन हो रही है, बहुत ऐसे जो वेसिकुलर इरप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कैंथेरिस अप्लाई करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देन सनबर्न हुआ है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हुआ है धूप में, स्पेशली जो बॉडी के डेलिकेट पार्ट्स हैं, तो वो स्किन जैसे कि फेस की स्किन है, बैक है, देन आर्म्स में, इधर कहीं शोल्डर में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक धूप लगने की वजह से वहाँ पे जल गया है, सनबर्न जिसको हम बोलते हैं, रॉनेस हो गई है, रेडनेस हो रही है वहाँ पे, और बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो ऐसे में अगर आप कैंथेरिस अप्लाई करेंगे तो बहुत फास्ट हील होता है वो, और जो वहाँ पे जलन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। देन ऐसा स्किन में कोई भी जलने की वजह से ऐसा कोई भी घाव बना है जो जिसमें टेंडेंसी है कि वो अब गैंग्रीन बन जाएगा, मतलब सड़ जाएगा, मतलब इतना डीप बर्न भी है, सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि अब ये सड़ेगा बॉडी का पार्ट, या डॉक्टर ने आपको बोला है कि इसमें गैंग्रीन हो रहा है, इनिशियल है या गैंग्रीन डेवलप हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप कैंथेरिस ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये वहां पे गैंग्रीन को यानी कि टिश्यू नेक्रोसिस को रोकेगा, वहां पे सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा, हेल्दियर टिश्यूज जो है वहां पे बनेंगे और जलन और पेन आपका कम हो जाएगा। सो ये मेन इंडिकेशंस हैं इसके, कैंथेरिस ऑइंटमेंट के। इसको यूज किस तरीके से करना होता है अभी मैं आपको खोलकर भी दिखा दूंगी। तो इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका है कि जो भी आपका अफेक्टेड पार्ट है उसको अच्छी तरीके से क्लीन करके उसके ऊपर क्लीन एरिया पे इसको अप्लाई कर लेना है, सिंपल, जैसे हम इन जनरल दूसरे क्रीम या ऑइंटमेंट को अप्लाई करते हैं, और छोड़ देना है, ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको अप्लाई करना है दिन में 2 से 3 बार, जब तक जो आपका बर्न एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। ऐसे आपने अप्लाई करना है। इसका मेन कॉन्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्वियसली जैसा नाम है, कैंथेरिस ऑइंटमेंट है, तो कैंथेरिस मदर टिंचर इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और सुटेबल ऑइंटमेंट बेस है इसमें। ऑइंटमेंट है, अगर मैं आपको खोल कर दिखाऊं, सो इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में ये ऑइंटमेंट आता है, सेम जैसा बाहर प्रिंट है, कैंथेरिस मेंशन है, कैंथेरिस ऑइंटमेंट वही है, और सिंपल ट्यूब है, ये सील पैक है। ये जो क्वांटिटी है वो 25 ग्राम है, और इसका जो MRP है 50 रुपीज़ है। आपको बहुत आसानी से किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे ये मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको healthmug.com पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसीलिए मैंने इंट्रो में बोला था कि ये फर्स्ट एड मेडिसिन है, और इसे आप ज़रूर अपने घर पर एज अ फर्स्ट एड मेडिसिन रखें, क्योंकि यूजुअली बच्चे जो हैं और महिलाएं जो हैं छोटे मोटे बर्न्स को बहुत ज़्यादा फेस करती हैं इन डे टू डे लाइफ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कैंथेरिस ऑइंटमेंट के ऊपर था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट to subscribe my channel. I will meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, stay safe. Take care of yourself and your families. Love you all.